श्रीमती सुनीता दुग्गल, बहुत 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 धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी अब की बार की जो बजट है, मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच रखी है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत को आधुनिक भारत की तरफ बढ़ाने की तरफ हमारे कदम हैं, ये बजट उस दिशा में प्रस्तुत किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगी कि जब ये बजट प्रस्तुत किया गया तो 5 राज्यों में चुनाव होने थे और हमारी सरकार उसका भरपूर फायदा उठाकर और उन राज्यों के लिए बजट प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, हमें क्षणिक लाभ लेने का किसी तरह का कोई हमारे दिमाग में इस बात का कोई हमारे मन में नहीं है कि हम क्षणिक लाभ लें, हमारा देश आगे कैसे बढ़े, आधुनिक कैसे बने, इस सोच को लेकर ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि वित्त मंत्री जी ने जो दूरदर्शिता दिखाई है उसके तहत अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं रेलवे के बारे में बात करना चाहूँगी। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे याद है बहुत साल पहले जब ममता दीदी यहाँ पर रेल मंत्री होती थी तो मुझे अपने बच्चों के साथ जो है दर्शक दीर्घा में यहाँ पर बैठकर इस सदन की कार्रवाई को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस समय मैं हैरान थी कि वो बजट में जिस तरह से केवल वेस्ट बंगाल के बारे में ही ज़्यादा चर्चा करती थी, लेकिन विडंबना देखिए कि वो भी काम वो पूरे नहीं करवा पाई। 100 की घोषणा होती थी तो 99 जो हैं वो धरातल पर ही दम तोड़ देती थी। वो समय था और एक आज का समय है कि आज हमारी सरकार ने जिस तरह से जो काम किया है रेलवे के अंदर, अगर मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो आप ये देखिए कि 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो शुरू हुआ था और 2014 तक उसका काम इतना स्लो था और आज जो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर उसके बहुत से भाग में मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है। और इसी तरह से आप ये देखिए कि असम समेत कितने जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको देश के बाकी भागों से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया और इसमें 150% से भी ज़्यादा की राशि जो है वो खर्च की गई। और किसानों के लिए किसान रेल सेवा की अगर हम बात करें, और उसी तरह से मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी लोकसभा सिरसा को भी त्रिपुर सुंदरी से, त्रिपुरा से जो है वो जोड़ा गया है। लेकिन मेरी आपके माध्यम से ये हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी होगी कि जो हमारे एक हिसार फतेहबाद सिरसा वाया अग्रोहा जो रेल लाइन है वो पहले मंजूर हो चुकी थी और अटल जी किस समय में फतेहबाद में आए थे वो जिला होने के बावजूद भी जो है रेल सेवा से वंचित है और उन्होंने कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं रेल के द्वारा फतेहबाद में पहुँचूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर रेल मंत्री जी इस बात की तरफ ध्यान दें और इस रेल को जो है जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और इसी तरह से ही जो है हमारी एक उकलाना से नरवाना की जो रेलवे लाइन है उसका भी सर्वे हो चुका है तो मेरा आग्रह है कि जैसे 400 वंदे भारत जो हैं वो शुरू की जा रही हैं तो मेरी लोकसभा से भी एक वंदे भारत जो है ज़रूर गुजरनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी को इस बात का आग्रह करना चाहूँगी। yes. और आप ये देखिए कि 63% से अधिक जो ट्रेन है आज की तारीख में वो इलेक्ट्रीफाई हो गई हैं और 2009 से 2014 के मुकाबले में नई रेलवे लाइंस, दोहरीकरण और अमान परिवर्तन इसके लिए इस बजट में 350% की बढ़ोतरी की गई है और हमारा सफ़र इतना सुगम हो गया है कि मैं कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि एक तेरी ज़रा ज़रा सी सहूलियत ही सब्र है मेरा, एक तेरी ज़रा ज़रा सी सहूलियत सब्र है मेरा, देख अब तेरी मंजिल से बेहतर ये सफ़र है तेरा। ये आदरणीय सॉरी प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने जो है वो करके दिखाया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय कि जल जीवन मिशन इसके तहत जो है कि 2014 में जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया माननीय प्रधानमंत्री जी से और संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर
तो मुझे ये मौका दिया गया कि आप जो है पटौदी से चुनाव लड़िए। और जब मुझे मैं वहां पर घूमी तो मैं हैरान हो गई कि वहां पर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका सारा सारा दिन जो है वो सिर्फ पानी के लिए निकल जाता था। और हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है वहां पर उनको पानी पहुंचाने का काम किया। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी 5 मिनट भी, 5 मिनट का समय तो मेरे पास होगा ना, कम से कम 5 मिनट पूरे नहीं हुए। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो नदियों को जोड़ने का प्रोविजन किया गया है, और केन बेतवा के बारे में अगर हम बात करें कि हमारे एक इलाके में जो है वो बाढ़ आती है, दूसरा इलाका सूखा रहता है, अगर इन नदियों को जोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। सरकार की तरफ से जो गंगा के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का जो एक कॉरिडोर बनाने का जो एक योजना है, मुझे लगता है कि उससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम किसान रेल, किसान ड्रोन, नाबार्ड के माध्यम से जो इसमें जो सहायता मिलेगी उससे मुझे लगता है कि किसान भाइयों के आने वाले समय में आमदनी जो है वो हम दुगने की बात ना करें बल्कि तिगनी चौगनी जो है वो आने की हमें इस बात की पूरी संभावनाएँ हैं। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि चाहे हम मिलेट्स की बात करें, धन्यवाद, मोटे मोटे अनाज की बात करें, धन्यवाद, तो ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है वो घोषित किया गया है। समाप्त और मुझे पूरी उम्मीद है, जी जी बस आधा मिनट करो, कि उससे जो है हमारे छोटे किसान को जो कि 80-85% के करीब है उसको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद श्री महबूब। सभापति महोदय, अंत में युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने किया उसमें मैं कहना चाहूंगी कि सीमावर्ती इलाकों में सशक्त करने के लिए जो प्रावधान किया गया है, एनसीसी को जो सीमावर्ती इलाकों में हमारे युवाओं के लिए जो केंद्र खोलने की बात कही गई है उससे जो है हमारे हमारे नवयुवकों को बहुत लाभ मिलेगा। क्या प्लीज, अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे युवा हैं वो बहुत आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है। और इसीलिए मैं अंत में सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी युवाओं का आह्वान करते हुए क्या कहते हैं कि बस तू एक ख्वाब देखना मत छोड़ना, कि बस तू एक ख्वाब देखना मत छोड़ना, मेरी आंखों में इसकी तदबीर के हजारों सपने हैं। धन्यवाद। तो आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक यू ऑनरेबल। हमारी अब की बार की जो बजट है मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच रखी है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत को आधुनिक भारत की तरफ बढ़ाने की तरफ हमारे कदम हैं, ये बजट उस दिशा में प्रस्तुत किया गया है।